दोस्तों अगर आप भी भारत को एक जबरदस्त टीम मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट श्रृंखला का आखिरी मुकाबला शुरू होने वाला है। बता दें अब तक श्रृंखला में 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें भारतीय टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं। इस वजह से भारतीय टीम अभी श्रृंखला में 2-1 से बढ़त बनाए बैठी है। अब भारतीय टीम अगर आखिरी मुकाबला भी जीत लेती है तो श्रृंखला को 3-1 से जीत लेगी। तो चलिए दोस्तों बता दें आपको कब और कहां इस मुकाबले को लाइव देख सकते हैं और क्या होंगे भारतीय टीम में बड़े बदलाव। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारत और इंग्लैंड में से कौन जबरदस्त टीम है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट श्रृंखला बड़ा ही रोमांचक होती जा रही है। इस श्रृंखला का हर एक मुकाबला बड़ा ही शानदार रहा है। अब तक इस श्रृंखला में 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें से 1 मुकाबला बारिश के कारण स्थगित हो गया था और बाकी के मुकाबलों की अगर बात की जाए तो भारतीय टीम के 2 मुकाबले जीते हैं और इंग्लैंड ने, जिसकी वजह से भारतीय टीम इस श्रृंखला में 2-1 से बढ़त बनाए बैठी है। अब भारतीय टीम इस श्रृंखला के आखिरी मुकाबलों को जीतने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगी और श्रृंखला को अपने नाम करेगी। दोस्तों बता दें अब तक भारत की ओर से हर एक खिलाड़ी ने बड़ा ही शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है, लेकिन इसके बावजूद भी आखिरी मुकाबलों में भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे कि हाल ही में खबर आई थी कि रोहित शर्मा चोट के चलते 5वां और आखिरी मुकाबला खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, इसलिए अब उनकी जगह भारतीय टीम में अपनी वापसी करेंगे मयंक अग्रवाल बतौर सलामी बल्लेबाज। वहीं इसके बाद सबसे बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा अजिंक्य रहाणे की जगह हमें भारत के युवा बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। अजिंक्य रहाणे पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा खराब फॉर्म में जूझ रहे हैं जिसकी वजह से अब वो आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम से बाहर हो सकते हैं, इसलिए उनकी जगह सूर्य कुमार यादव को खेलने का मौका दिया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं सूर्य कुमार यादव ने हमेशा से ही अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय टीम को जीत हासिल कराने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, इसलिए सूर्य कुमार यादव के ऐसे ही शानदार प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुए उन्हें आखिरी मुकाबले में भारत की ओर से खेलने का मौका दिया जाएगा। दोस्तों बता दें भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और आखिरी मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड मैदान पर खेला जाएगा और इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समय अनुसार 3:30 से होगी। दोस्तों बता दें आप इस मुकाबले का सीधा प्रसारण सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको इस मुकाबले का हिंदी कमेंट्री में मजा उठाना है तो आप सोनी 10.3 पर देख सकते हैं, वहीं इंग्लिश कमेंट्री का मजा सोनी 10.1 पर उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम 5वां और आखिरी टेस्ट मुकाबला जीत सकती है या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।